हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लास। तो आज हम एक बार फिर से टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का गैस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गैस क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन क्वेश्चन बार बार पूछता है प्रीवियस ईयर से, हम लोग इसको डील करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आता है, आप वो क्वेश्चन अपने PDF नोट से जहाँ से भी हो पढ़ लें अच्छी तरह से, उसके बाद एग्जाम में जाइए तो अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो जैसे हमने मैनेजमेंट में देखा था गैस क्वेश्चन बिल्कुल 100% लग रहा था, तो इस बार भी 90% चांस है कि इस गैस क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा, आप लोग 2 का स्पीड में देख लीजिए। और हाँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर का वीडियो सोल्यूशन नहीं देखा तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का थोड़ा रिव्यू करा दिए हैं 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बार बार जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को लिए। इसमें डिफिनीशन, जैसे डिफिनीशन पूछ देगा व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, इस पे आपसे पूछे तो हम लोग थोड़ा सा एक लाइन बोल सकते हैं। रिड्यूस द अनवांटेड इवेंट क्या है, सेफ्टी क्या है, रिड्यूस द अनवांटेड इवेंट है। वैसे हजार पूछ देगा आपसे, हजार का हिंदी होता है क्षति। एक्सीडेंट पूछ देगा व्हाट इज एक्सीडेंट, क्या होता है एक्सीडेंट। द इवेंट दैट अ प्रेशर सेट क्या, द इवेंट दैट, देखिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे द इवेंट, लिखना पॉसिबल नहीं है, पेन नहीं है मेरे पास। द इवेंट दैट ऑपरेट सडनली एंड कॉजेड डैमेज और इंजरी, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। एक्सीडेंट का डिफिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफिनेशन देखिएगा, अथॉरिटी का भी, अकाउंटेबिलिटी का भी, ये जो हमने 5 डेफिनेशन लिए हैं, सॉरी 6 को डेफिनेशन लिए, इनमें से 2 को जरूर पक्का वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भारतीय सेफ्टी पूछेगा या हजार्ड पूछेगा या एक्सीडेंट पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, या 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ सकते हैं, ज़्यादा चांस है कि सब 4 नंबर में डिफिनेशन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिए हैं, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कारण को लिखना है। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, अनसेफ सिस्टम वर्क, नो ट्रेनिंग, लाइव वर्किंग, नॉट सफिशियंट इंसुलेशन, पुअर मेंटेनेंस, इनफिशियंट इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से आप लोग इसको एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखिएगा, अपने नोट्स में जरूर इसको मिला लीजिए। फैक्टर ऑन विच सेवरिटी ऑफ शॉक डिपेंड, ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है इस वीडियो में, हम लोग जो बार बार क्वेश्चन आया उसी को लिए, ताकि ज़्यादा चांस आपका आने का चांस है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन क्या, टेस्टिंग का टाइप पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग पूछ सकता है। सब्जेक्टिव का टाइप कौन कौन है, टेस्टिंग है, रूटीन टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट या टेस्टिंग के टाइप से। देखिए राइट द मेथड ऑफ टेस्टिंग, वही है रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट को एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग लिए, रूटीन प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हम लोग जानते हैं फॉल्ट के पहले होता है जो रूटीन टेस्ट, या रूटीन मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करने के बारे में आएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में भी आ सकती है। ज़्यादा चांस ये है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, बार 2 साल पूछा गया है, कम 2019 और 2020 में, तो ज़्यादा चांस है इस बार भी पूछे इसको। देखिए स्पेशल टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडक्टर, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट का पार्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसके बारे में, उसी में है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट के बारे में लिखने आ जाएगा, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सिंगल फेज 3 फेज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन का चर्चा करने की आ जाएगी। ब्रेक टेस्ट और DC सीरीज मोटर क्या, ब्रेक टेस्ट पक्का आएगा आपको, कन्फर्म हो जाएगा ऑन DC सीरीज मोटर में क्या, ऑन DC सीरीज मोटर। देखिए 3 टेस्ट आप हम लोग देख लेते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, इन तीनों को आप लोग जरूर पढ़ के जाइए क्या। इन तीनों को टोटल हम 18 क्वेश्चन देंगे, इन्हें कि हम लोग 30-40 क्वेश्चन देंगे, टोटल हम लोग 18 क्वेश्चन देंगे। 18 क्वेश्चन में ही वहाँ 12-13 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बड़ी अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन आप लोग डील कर लीजिएगा, इसे पढ़ के जाइए 18 क्वेश्चन आप लोग। और पढ़िएगा क्या, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वहाँ पर क्या अल्टरनेटर का देखिए, अभी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी पढ़ लीजिएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से तरह से। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल का, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल का गुण देख के जाइएगा, इसका 4-5 पॉइंट याद करके आप लोग जाइएगा वहाँ अच्छे से लिख लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, फैक्टर इफेक्ट इन लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख के जाइए। एसिडिटी टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो कहीं से खोज लीजिए या कहीं से नोट्स ले लीजिए। आप लोग ऐसे तो नहीं होगा कि नोट्स नहीं होगा, या आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे तो जरूरी सब होगा। तो अपने क्वेश्चन में ये सब टिक लगा लीजिए अपने नोटबुक में, वहीं पढ़ के जाइए। वैक्यूम इंप्रिग्रेशन, इसके बारे में पढ़िए। फैक्टर डिजाइन ऑफ मशीन फाउंडेशन, और एक और लास्ट हम लोग लिए 18। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कपल ड्राइव्स क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वी वी आई ये तो पक्का आपको रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कपल ड्राइव्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वीडियो को जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मात्र 5 से 6 मिनट का ये वीडियो है, 5 से 6 मिनट में हम देख लेंगे कौन कौन से आपका सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है। जो वी वी आई क्वेश्चन है, क्या वी वी आई क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, जो कि बनाया गया है बहुत ही एनालिसिस करके स्पेशल टीचरों के द्वारा। ये क्वेश्चन चलिए प्रश्न मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिए, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का जो 11 तारीख एग्जाम होने जा रहा है आप लोगों का, अच्छे से देख के जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।